नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस से लखीसराय जिले के बड़हिया स्टेशन पर अवैध देशी शराब से भरे बैग को जब्त किया गया है, जिसमें 300 ml के कुल 100 बोतल शराब बरामद किए गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर रेल पुलिस बड़हिया के द्वारा चलाए गए विशेष जांच के दौरान शराब की यह बड़ी खेप RPF के हत्थे चढ़ गई। सर, शराब बरामद हुई, क्या मामला है? ये लवारिस हालत में गाड़ी संख्या 33 से बरामद हुआ है धनबाद इंटरसिटी से, पीछे से पचवा बोगी से लवारिस हालत में बरामद हुआ है। बैग में रखा हुआ था? हाँ, बोरा में रखा हुआ था, बोरा में, बंद बोरा में। टोटल कितना है? ये 100 पीस है। कितना एमएल का है? ये 300 ml का है। 300 ml का 100 पीस है। 100 पीस है, देसी शराब है, मस्ती। बिहार में विधान पार्षद चुनाव का ऐलान हो चुका है, ऐसे में पूर्वी चंपारण जिला में भी कई दिग्गज प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर अपने जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन इन नेताओं के बीच एक ऐसा प्रत्याशी भी मैदान में उतरा है जो जिला वार्ड संघ का अध्यक्ष है। आज इसी को लेकर मोतिहारी प्रखंड के सैकड़ों वार्ड सदस्यों के बीच MLC प्रत्याशी उदय जायसवाल ने मीटिंग रखा और कहा कि वे अगर जीतते हैं तो सदन में वार्ड सदस्यों की समस्या को रखेंगे। देखिए, चुनाव की तैयारी जो है वार्ड सदस्यों ने जोड़ों पर रखा है करके, और दिग्गज जो मैदान में हैं वे दिग्गज जो है 4 तारीख के शाम में पता चल जाएगा कि 5400 वाला दिग्गज है या 1200 वाला दिग्गज है। 5400 वोट हम लोगों के पास है और वार्ड सदस्य संघ जो है संघ की ओर से वार्ड सदस्यों के सम्मान में और उदय जायसवाल मैदान में हम लोग हैं, और यह गिनती जब 7 तारीख को होगा तब पता चलेगा कि धन वाले वाले एक तरफ है कि हम लोग सड़क पर वाले एक तरफ है। सिर्फ जो है आज मोतिहारी प्रखंड के वार्ड सदस्यों को मतदान करने के लिए, वार्ड सदस्य संघ में मतदान करने के लिए सभा का आयोजन किया गया था। विधिवत आज का कार्यक्रम जो है मोतिहारी प्रखंड के वार्ड सदस्यों को जागरूक किया गया है और सभी वार्ड सदस्यों ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर और अपना समर्थन जो है वार्ड सदस्य महासंघ के समर्थित उम्मीदवार उदय जायसवाल के क्रमांक संख्या 4 पर मतदान करने के लिए समर्थित हुए हैं। सुपौल जिले के सदर थाना इलाके के लाउट गांव के वार्ड 5 में दो पक्षों के विवाद में 15 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें 6 महिला शामिल है जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। सदर SDO कुमार इंद्र प्रकाश ने मामले को लेकर जानकारी दी कि दोनों पक्षों में विवाद में मारपीट हुई, जिसको लेकर दोनों पक्षों का प्राथमिक दर्ज कर तहकीकात की जा रही है। पुलिस इसको किसे देख रही है? दो तरफ बताया जरा, दोनों पक्ष से विवाद हुआ था, क्या मामला था और क्या FIR दर्ज कराया गया और क्या कर रही है पुलिस अब इस मामले में? सुपौल थाना में मामला दर्ज किया गया है। प्रथम पक्ष के लोगों का कहना है कि उनकी बेटी के साथ छेड़खानी करके उनको मारपीट किया गया। दूसरा पक्ष जो है उनका कहना है कि 2 दिन पहले वो प्रथम पक्ष के द्वारा जो अतिक्रमण किया जा रहा था उसको लेकर के स्थानीय CO को आरोप लगे कि सरपंच ऐसे ऐसे घर ढुका है, मरचे बुकनी और इनका हम भेर 5 का पकड़िए बाबू नहीं जाए वही लड़ाई में पकड़ कर कहीं सरपंच का सांप का मार दीजिए मामला अथी भाई थे क्लियर। वो आम जमीन है जिसका खाता 361 है, रकवा खेसरा 2215 है। 18 को बीच में एक अफवाह हुई, कुछ बच्ची वगैरह को इधर उधर देखा गया जिसमें हमारे परिवार के लड़का बच्चा शामिल था, जिसको लेकर के लोगों में आक्रोश था। ये चुनावी रंजिश और बोंडेवाल का रोकना, मेरे ज़मीन के हमारी ज़मीन में भी गड्ढा खोद देना और ये बच्ची वाली अफवाह को लेकर के एक हरा हुआ समिति भी है जिसका नाम मोहम्मद नजीमुद्दीन है, जिसको मैं अभियुक्त बनाया हूँ। वह राजधानी में पटना ऑफ मैराथन का आयोजन किया गया है। नशा मुक्त बिहार के थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभिनेता मिलिंद सोमन हौसला अफजाई के लिए गांधी मैदान में मौजूद थे। 21 किलोमीटर के हाफ मैराथन को अभिनेता ने रवाना किया, उसके बाद 10 किलोमीटर के हाफ मैराथन को रवाना किया।
अभिनेता मिलिंद सोमन ने लोगों को जमकर हौसला अफजाई की। खबर राजधानी पटना से, जहां आज गांधी मैदान में स्थित बापू सभागार में अंबेडकर ग्रुप इंस्टीट्यूशन के द्वारा मानवता की सेवा पर आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा किया गया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा बिहार के उप मुख्यमंत्री ने, आप सुनिए। इस वक्त माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। राज्य अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न संस्थानों ने अपने शैक्षिक सत्र का शुभारंभ कर रही हैं, जिसमें हमारे अंबेडकर ग्रुप के अंतर्गत पैरामेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज है एंड ITI इंस्टीट्यूशन का बिहार के विभिन्न जिलों में संचालन किया जा रहा है। और आज यह हर्ष का वक्त है हम लोगों के लिए कि ये सारे बच्चे जो एकत्रित हुए हैं, पुराने बच्चों अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा आज का यह समारोह आयोजित है, जिसमें पैरामेडिकल किस का यहाँ शिक्षण कार्य किया जाता है। और वास्तव में बिहार ने 2005 के बाद एक बड़ा परिवर्तन लाया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम सब और हमारी सरकार ने काफ़ी गुणात्मक परिवर्तन लाए हैं, और जो पैरामेडिकल के जो छात्र और छात्राएं हैं उनकी बड़ी भूमिका है चिकित्सीय क्षेत्र में। सर्विस विथ स्माइल कहा जाए तो इनका मूल मंत्र है। और लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। आज पार्टी कार्यालय में SC ST प्रकोष्ठ की बैठक की गई। बैठक में प्रकोष्ठ की विस्तार सदस्यों की संख्या बढ़ाने और भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह धूमधाम से मनाने के लिए कार्यकर्ता को दिशा निर्देश दिया गया। लाख की संख्या में आएंगे, किलर हाई स्कूल में हम लोग का आयोजन किया जाएगा। आयोजन भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाया जाएगा, उस पर हम लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। और SC ST प्रकोष्ठ की आज बैठक बुलाई गई है, इसमें हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि हम लोग हरेक जिला से ज़्यादा संख्या में इस बैठक को सफल बनाएंगे। कौन कौन लोग हम लोग का पूरे बिहार से 3800 जिला के जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, प्रदेश के सारे लोग कमेटी हैं, उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सचिव हैं SC ST प्रकोष्ठ। और अब बात सहरसा की, जहां एक बार फिर बेखौफ बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। दरअसल सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र के बुटहा बहियार पुल के निकट बेखौफ अपराधियों ने बाइक लूट के दौरान 26 वर्षीय युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी युवक को आनंद फानन में परिजनों द्वारा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही सोनवर्षा राज थाना की पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। गाड़ी छीन गई, गेहूँ के खेत गले, गेहूँ के खेत में मटर गेहूँ में दे एक और गाड़ी छीने लगा, गाड़ी छीने लगले तो नहीं दिल के छीने लगे, एक से झिकझोर कर दिल के झिकझोर करके गाड़ी जो नहीं दिल के छीने लगे। बगल में बसा है, बसा वाला लोग जो दौड़ लें जैसे कि आप चला गए थे मकई मकई कौन चलाया गोली। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।